हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमार्क्स क्लासेस। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका क्लास 12 के बाद कौन कौन से रास्ते खुलेंगे, और जैसा कि मैं पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो उस सब्जेक्ट के सहारे आप कौन कौन सा कैरियर बना सकते हैं 12th के बाद, तो वो मैं बताने वाला हूँ आज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास एक आर्ट्स है, दूसरा साइंस है, तीसरा कॉमर्स है, चौथा डिफेंस है, पांचवा जनरल कंपटीशन है। मैं ये पांच लाइन इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने आपको 10th में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पांच लाइन है, तो पांचों लाइन में आपको क्या क्या फील्ड है, स्कोप क्या है, आगे रास्ता क्या है, तो वो उसी के सहारे मैंने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा और भी रास्ते हैं जो मैं बताऊंगा। पहले आपको ये जान लेना होगा कि जो मैं 10th में बताया था, 10th के बाद जो पांच लाइन चूज करना था उसके आधार पर पहले मैं बताता हूँ कि आर्ट्स में क्या क्या कैरियर है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास आर्ट्स में सबसे बेहतरीन रास्ते कौन से हैं। अगर आपने आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड आपने किया है, तो आपके पास सबसे बेस्ट जो रास्ते हैं वो है IAS बनने का। IAS जिससे कि आप DM बनते हैं, DC बनते हैं, SP बनते हैं, IRS बनते हैं, IFS बनते हैं, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस, ये सारे चुनिंदा सर्विस हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे ऑफिसर, बड़े बड़े इंडिया डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऑफिसर होते हैं जो कि DM और DC है और SP होते हैं। तो वैसे सब्जेक्ट, वैसे आप कैरियर बन सकता है आपका, अगर आपका कमांड पूरी तरह से 8 सब्जेक्ट के ऊपर रहा तो। अगर थोड़ा सा उससे कम अगर हुआ तो आप स्टेट लेवल पे जा सकते हैं, पब्लिक कमीशन सर्विस, जैसे आपका बिहार का अगर है तो BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड में है तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे आप स्टेट लेवल पे जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो SP के जस्ट नीचे होता है DSP, DM के जस्ट नीचे होता है SDM, एक पोस्ट जो सेंट्रल लेवल के जो ऑफिसर होंगे उससे एक पोस्ट कम आपका स्टेट लेवल पे होता है, तो आप उस रास्ते में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चुनिंदा जो लाइन है वो है मीडिया लाइन, जर्नलिज्म। इस लाइन से आपको क्या होगा कि आप बड़े बड़े न्यूज चैनल में आप जा सकते हैं जिनके सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये लाइन भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन तब चूज कर सकते हैं जब आपका इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पकड़ है, जो हम लोग आम भाषा में जिससे बातचीत करते हैं उस भाषा से हमको काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आप जर्नलिज्म ले सकते हैं। मीडिया लाइन आपके लिए लाइन खुला हुआ है, ये आर्ट्स में एक बहुत अच्छा रास्ता है। और तीसरा लाइन है हमारा जनरल कंपटीशन। अगर इन दोनों के बाद ये आता है, जनरल कंपटीशन में भी आपके बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हैं। SSC में ऐसे मंत्रालय हैं, 45-40 मंत्रालय हैं जिसमें आप बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट इतने अच्छे, इंडिया का सबसे बेहतरीन सर्विस सब आपको SSC में मिलेगा। उसके बाद आता है रेलवे। रेलवे में भी बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, रेलवे ही सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, जिसमें कि आपको सैलरी और सैलरी का कभी शिकायत नहीं आएगी, और ऑल इंडिया आपके पास एक पहचान है कि आप रेलवे में है। रेल सरकार बहुत बड़ा सरकार है, मतलब बड़े लेवल पे जाना था, और वर्ल्ड में इंडियन रेलवे की बहुत पहचान है, शायद चौथा या तीसरा स्थान रखता है रेलवे का, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो आइए हम आते हैं मैनेजमेंट पे। जनरल कंपटीशन के बाद अब हमारा जो मैनेजमेंट जो लाइन है मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, अगर कंपनी में अच्छे लेवल पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, बिजनेस मतलब पोजिशन रखना है, तो आप BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉ। लॉ भी एक अच्छा रास्ता है, अगर आपको वकालत करना है तो आपके रास्ते यहाँ से खुल जाएंगे। आर्ट्स अगर आप लिए हैं तो आपको ये भी रास्ते आपके पास मतलब लाइव है, बचा हुआ है, आप चुन सकते हैं वकालत का रास्ता। इसमें वकालत में वकील भी बन सकते हैं, और कुछ ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद आप जज भी बन सकते हैं। जज के लिए भी आप फाइट कर सकते हैं, आपके लिए एक स्पेशल एग्जाम देना होगा, और उस एग्जाम को निकालने के बाद आप जज भी बन सकते हैं। ठीक है, आप आते हैं बिजनेस। वैसे जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो 12th पास हो गए हैं, जिनको पढ़ाई करने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके पास एक रास्ता ये भी है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में भी बहुत आज के डेट में एक डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है कि कंप्यूटर में शॉर्टकट में आप निकल सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होता है,
तो आप वक्त ना बर्बाद करें, आप कुछ ना कुछ लाइन चूज कर लें, या बिजनेस करें या कुछ भी करें। एक लाइन और छूटा हुआ जिसको मैंने नोट नहीं किया था, ये है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में आपका होटल मैनेजमेंट ये सब आप कर सकते हैं, ऐसे होटल मैनेजमेंट आपका साइंस से भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं, यानी ये सारे रास्ते आपके खुले हुए हैं। निश्चित है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप आर्ट्स के बारे में इस कैरियर समझ गए होंगे कि आर्ट्स में क्या क्या हमारे पास स्कोप है। ठीक है, चलते हैं अगले लाइन पे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि मैथ लाइन में क्या क्या है हमारे पास। तो मैथ में एक है हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इंजीनियरिंग आज के डेट में करीब 55 से 60 ब्रांचेस इंजीनियरिंग के हैं, और मेन स्ट्रीम है हमारे पास 5 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिसके थ्रू आप बीएससी यानी बीटेक के बाद आप 5 लाइन में आप बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं। एक है आपका मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा है कंप्यूटर साइंस, और 5वां है सिविल इंजीनियरिंग। ये 5 ऐसे स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप पीएसयू सेक्टर में भी जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पीएसयू में नहीं जाता, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक ऐसा लाइन है जिसके थ्रू आप सुने होंगे कि आईईएस, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, और दूसरा है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आप जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जिस तरह आप सिविल सर्जन सुने होंगे मेडिकल लाइन में, एक पूरे जिला में एक सिविल सर्जन होता है, और जहाँ पे सिविल लग जाता है ना, समझ जाए कि जिला में एक ही है। जैसे सिविल सर्जन आप सिविल इंजीनियरिंग बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे इंजीनियरिंग सर्विस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो 55 ब्रांचेस हैं, 50 ब्रांचेस हैं, उसका भी बहुत सारा लाइन है, यानी इंजीनियरिंग का भी बेसिक बेसिक लाइन टूटता चला जाता है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3-4 है, मतलब ब्रांचेस टूटते जाते हैं, सिविल में भी 5-6 मतलब उसका भी खंडन होते जाता है। उसी प्रकार 55 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो जाता है। ठीक है, तो आप उसमें चूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा डिफेंस, डिफेंस में आप एनडीए जा सकते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब इसमें थ्रू, इसके थ्रू आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन सकते हैं, और ये इसका जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप डिफेंस, आप एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एक लाइन, बहुत बड़ा लाइन है, जहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर, जो घर का जो डिज़ाइनिंग होता है, वो सब आर्किटेक्चर करते हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड है। चौथा ऑप्शन है हमारा टीचिंग। ये टीचिंग आपके बारे में मैं बता दूँ, टीचिंग एक ऐसा बैकग्राउंड है साइंस, विशेषकर साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 20 लाख 25 लाख पैकेज तक जाता है, और बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट इंडिया का टॉप लेवल जैसे कोटा में 20-20 लाख का पैकेज आता है, 20 लाख रुपये मंथली कमा सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तो मतलब ध्यान रखिएगा कि जब आप 12th करें, 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इतना अच्छा होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट में कम से कम 1 सब्जेक्ट में आप कमांड कर लेंगे, तो अगर आपका सारा लाइन खत्म हो जाएगा ना, तो आपका एक लाइन जिंदा रहेगा, वह टीचिंग लाइन। फिर आता है आपका बीएससी आप कर सकते हैं। बीएससी के करने के बाद आप मान लीजिए बीएससी फिजिक्स से किए, मान लीजिए, ठीक है, तो बीएससी फिजिक्स करने के बाद आपका जो आगे जो लाइन है, साइंटिस्ट का भी लाइन आप मतलब क्लियर कर सकते हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। आप बीएससी फिजिक्स से लेते हैं तो आप साइंटिस्ट का भी लाइन चूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास और है, ये है SCRA। रेलवे में जो DRM लेवल का जो पोस्ट जाता है, रेलवे का सबसे ऊंचा पद, वो है हमारा SCRA के थ्रू है, जो बहुत टिपिकल एग्जाम है, यानी आप IIT के लेवल का ही एक एग्जाम होता है SCRA। अगर जिस लोगों को रेलवे में अच्छा करियर बनाना है, यानी सिविल सर्विस में टॉप होता है IAS, और रेलवे में सबसे टॉप होता है SCRA। अब देखिए हमारे पास बायो, बायो में क्या क्या लाइन है, एक आप डॉक्टरी कर सकते हैं, डॉक्टरी में आपका MBBS, BDS, अकॉर्डिंग टू रैंक स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको BBS, MBBS करना होगा या BDS करना होगा, ये आपका डॉक्टरी लाइन हो गया। उसके बाद नर्सिंग लाइन होता है ANM, BNM,
मतलब नर्सिंग लाइन है हमारे पास। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट, जो आप एक्सरे वगैरह जो ब्लड टेस्ट करते हैं उन लोगों का जो रेडियोलॉजी, मतलब ये स्पेशलाइजेशन है, आप इनका बहुत बड़ा स्कोप है आज के डेट में, भारत में सबसे बड़ा स्कोप अब उभर के आ रहा है, क्योंकि जितने डॉक्टर हैं वो निश्चित है हर पेशेंट का ब्लड टेस्ट है, ये सब सब टेस्ट होता ही है, तो उसके लिए ये रेडियोलॉजिस्ट भी बहुत बड़ा लाइन अभी आ रहा है। फिजियोथेरापिस्ट वैसे जो ब्रांच है मेडिकल के, वैसे ब्रांच जो कि बिना दवा और बिना ये कुछ किए, ये आपको फिजियोथेरापिस्ट यानी जो आप देखते होंगे कि बच्चे को, मान लीजिए किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है या पैर में हो, तो वो सब क्या होता है फिजियोथेरेपी किया जाता है, जो कि मसाज टाइप का, उसमें ये अलग एक डिग्री है जिसे नस वगैरह बैठाना वगैरह, ये सब आपका फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। उसका बीएससी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आज के डेट में प्लांट और मतलब आगे चल के आप बहुत जब डीप में जाएंगे तो ह्यूमन में भी आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक के बारे में स्टडी होता है, उसके बारे में फिर आगे हम उसे जेनेटिक के आधार पर हम पौधे या एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं, और उसी प्रकार आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर एक छोटा सा रूप हो गया, बड़े लेवल पर बीएससी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगा। उसके बाद आता है एक लाइन हमारे पास फार्मेसी भी एक बहुत बड़ा लाइन है, जो अगर आप ड्रग्स में जाना चाहते हैं, ड्रग्स अब वो ड्रग्स मत समझिए, ड्रग्स मतलब फार्मेसी मेडिसिन, मेडिसिन में जो डील करते हैं उसको फार्मेसी बोलते हैं, और ये भी एक फार्मेसी बैचलर इन फार्मेसी एक बहुत अच्छा रास्ता है आज के डेट में, तो इस थोड़ा सा कॉस्टली कम पड़ता है। सबसे कॉस्टली होता है मेडिकल डॉक्टर, उसके बाद आपका फार्मेसी आ जाता है, उसके बाद आपका रेडियोलॉजिस्ट है, फिर बीएससी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अगला लाइन। देखिए अब कॉमर्स में हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, तो कॉमर्स में हमारे मेजर तीन रास्ते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन आज के डेट में, मतलब मैं कहूँ तो आधा से ज़्यादा जितनी इंडिया में कंपनी चल रही है, जितनी कंपनी चल रही है सारी कंपनी कॉमर्स के बेस पर है। कॉमर्स से ही हमारे पास आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इंटर के बाद होता है, जब इंटर में आप कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स के बाद आपको एक पीसीसी एग्जाम देना होगा, पीसीसी के बाद इंटर होगा, इंटर के बाद फाइनल होगा। इसमें भी बहुत डेप्थ स्टडी है, थोड़ा सा मतलब जी जान लगा के, ये कॉमर्स को बहुत लोग नॉन मतलब जनरल समझ लेते हैं, जनरल है नहीं, आप इसको बहुत ही डीपली और सीरियसली समझिए कि कॉमर्स अगर लेना है तो जी जान लगा के पढ़िए तभी उसको फ़ायदा मिलेगा, वरना फिर फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा टॉप लेवल पर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेकेंड लेवल पर आता है आपका कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कंपनी जितने बड़े बड़े कंपनी होते हैं, कंपनी में बड़े बड़े कंपनी में एक आप पीए देखे होंगे तो उसके नीचे सीएस होता है, जो कि लॉ बनाती है कंपनी कैसे चलना चाहिए, कंपनी के लिए रूल क्या होंगे, रेगुलेशन क्या होगा, फॉर्मेशन कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, कंपनी के रिलेटेड सारे डिटेल एक वन टू वन माइन्यूट डिटेल आपको कंपनी सेक्रेटरी उसको बताता है, और सारे कंपनी के फॉर्मेशन आपको सीएस ही करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ यानी वैसे सलाहकार जो कि कंपनी को, कंपनी के पीछे जो सलाहकार होते हैं वो कॉर्पोरेट लॉ होते हैं, जो कि सलाह देते हैं कि कंपनी कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, तो बड़े बड़े कंपनी में आपको ये भी मिलेंगे, कॉर्पोरेट लॉ भी मिलेंगे। ठीक है, डिफेंस में हमारे पास आते हैं एनडीए, ये अगर आप एनडीए क्लियर करते हैं तो मिनिमम आपका जो पोस्ट होगा डिफेंस में फ्लाइंग ऑफिसर और लेफ्टिनेंट ऑफिसर पे जाते हैं एनडीए करने से। दूसरा है हमारा इंडियन आर्मी, अगर इसकी इसकी वैकेंसी अलग से आती है, इंडियन आर्मी क्या आती है, इंडियन एयरफोर्स क्या आती है, इंडियन नेवी क्या आती है, ये अलग अलग वैकेंसी आती है, इसके थ्रू भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैं मेरा सजेशन होगा एनडीए करने का। अगर आपको नेवी में इंटरेस्ट है और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप मर्चेंट नेवी का भी आप लाइन चूज कर सकते हैं, इसका भी पे स्केल बहुत ही ज़्यादा है और इसकी सैलरी करीब 2 साल 3 साल में आपको 2 लाख 1 लाख मिनिमम 1 लाख से सैलरी आपको 2 साल में 1 लाख से 2 लाख 3 लाख सैलरी बढ़ती जाएगा और बहुत ही अच्छा लाइन है मर्चेंट नेवी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो 10th के बाद भी खुलता है और 12th के बाद भी आपके पास रास्ता है जो SSC GD का है, ये रास्ता 10th के बाद ही है लेकिन 12th के बाद भी आपका ये रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो GD आप ले सकते हैं जो कि जनरल सिपाही, इसका
सबसे टॉप लेवल पे ये है, तो सबसे नीचे लेवल पे ये है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा पांचवा जो फील्ड है हमारा जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन में क्या क्या कौन कौन सा लाइन है, जैसे एसएससी, एसएससी का मतलब आप समझते होंगे कि एसएससी होता क्या है, आपको मतलब कन्फ्यूजन होता है एसएससी क्या है, तो एसएससी के लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास लूँगा। एसएससी विशेषकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पूरे भारत में जितने भी मंत्रालय हैं, भारत के बहुत बड़े बड़े विभाग जो हैं वो एसएससी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना इनका काम ही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वैसा कमीशन जो स्टाफ का सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है वो एसएससी है। दूसरा हमारा रेलवे, रेलवे में हमारे पास बहुत सारे पोस्ट है, रेलवे जीडी, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो लाइन है इसमें मेजरली। एक है आपका टेक्निकल में आता है टेक्नीशियन एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, और बहुत सारे ईएसएम है और कुछ कुछ पोस्ट है जो कि टेक्निकल है। और नॉन टेक्निकल में जैसे ग्रुप डी हो गया, बुकिंग क्लर्क हो गया, टीटी हो गया, टीसी हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, फिर आगे ग्रेजुएशन के बाद आपका आता है स्टेशन मास्टर, आपका गुड्स गार्ड, तो बहुत सारे लाइन है रेलवे में भी, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। डिफेंस में आपका आप जानते ही है तीन विभाग है हमारे पास, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी। इसके अलावा चौथा जो है वो चीज़ आपको शायद पता नहीं होगा, वो हमारा एसएससी में है, रेल मिनिस्ट्री। अगर डिफेंस में मिनिस्ट्री में जाना है, डिफेंस मिनिस्ट्री अगर रक्षा मंत्रालय में अगर आपको जाना है तो वो एसएससी एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। रेलवे मिनिस्ट्री में जाना हो तो आप एसएससी क्वालिफाई कीजिए, इधर से भी एसएससी का रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। बैंकिंग, बैंक में आप क्लर्क बन सकते हैं, आपका मैनेजर बन सकते हैं यानी प्रोविजनरी ऑफिसर बन सकते हैं, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का एक रास्ता खुला हुआ है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर वो बन सकते हैं जैसे कुछ टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास है तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, जैसे आईटी फील्ड हो गया, अकाउंट हो गया, एमबीए हो गया, इस तरह का आप आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। तो और पांचवा हमारे पास पुलिस है, पुलिस के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आपको शायद आप 3-4-5 जानते होंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसे आपका मेन तो आपको समझ लिया आरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआरपी हो गया, आपका एसएसबी हो गया, ये आईटीबीएफ हो गया, फिर बीएसएफ में भी आपका एक आता है एनएसजी आता है, और बीएसएफ में एनएसजी नहीं आता, एनएसजी अलग है, और फिर एसएसजी है, फिर आपके पास रॉ है, फिर आईबी है, फिर सीआईडी है, फिर आपका सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये हमारे पास है, ठीक है। बहुत सारे ये आपके गुप्त विभाग भी हैं और पुलिस में एक से एक है, आपको ये जानकारी मैं दूंगा जब मैं इसका डिटेल में जाऊंगा। तो एसएससी का एक अलग से क्लास होगा, रेलवे का एक अलग से क्लास होगा, पुलिस का अलग से लूंगा, और बैंकिंग का तो अब शॉर्ट में है तो मैं क्या बताऊंगा, लेकिन बैंकिंग बारे में भी मैं बताऊंगा कि बैंकिंग कब लेना चाहिए, एसएससी कब लेना चाहिए और रेलवे कब लेना चाहिए। ये सब लोग जब मन तब जो लाइन चूज करना चाहते कर लेते हैं, लेकिन वो आगे 2-3-4 साल बर्बाद करने के बाद उनको समझ में आता है कि ये लाइन मैंने गलत चूज कर दिया। तो आपको कौन सा कंपटीशन कब सेलेक्ट करना है वो मैं बताऊंगा, और उसी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो शायद आप का जो साल बर्बाद होने वाला जो साल है वो आपका साल बच जाएगा, ठीक है। एक लाइन और बचा हुआ हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जो कि हम इंटर के बाद हम देने के बाद हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, ठीक है। तो जरा जान ले हमारा एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा होता है। अब देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम मुझे देना होता है। आपका मान लीजिए इंजीनियरिंग आपको करना है तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, तो वो कौन कौन सा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लूँगा, क्योंकि जिस मैं देखिए मैं अलग से क्लास लेने के बाद तब करता हूँ जब उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, तो डिटेल की जानकारी के लिए मैं अलग से लूँगा, क्योंकि अभी अगर मैं उसके अंदर जाऊँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। एक इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होता है बहुत सारे, मेडिकल का अगर आपको निकालना, मेडिकल का स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के अलग अलग आपका मेडिकल एग्जाम होता है, तो कौन कौन जैसे एक मेन तो सेंट्रल लेवल का तो नीट है,
ठीक है। और कुछ लिमिटेड एग्जाम, लिमिटेड सीट वाले भी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका एम्स हो गया, ठीक है। तो मेडिकल में कुछ जो ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है आप उसमें एग्जाम निकाल सकते हैं। कंप्यूटर के लिए जैसे बीसीए के लिए हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अभी बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम है, तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप बीसीए सेलेक्ट कर सकते हैं, बीएससी आईटी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर लाइन में जाना हो तो आप बीसीए कंप्यूटर लाइन के लिए आपका अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। उसका मैनेजमेंट, जिन लोगों को बीबीए करना हो या आगे मैनेजमेंट लाइन में जाना हो, तो उन लोगों के लिए कैट और मैट दो एग्जाम है, आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम अगर आप कैट अगर निकलता है तो इंडिया का सबसे टॉप आईआईएम, जितने आईआईएम है वो कैट के थ्रू है, और इंडिया का टॉप लेवल के जो मतलब यूनिवर्सिटी है वो कैट के थ्रू लेते हैं, और मैट जो सेकेंड लेवल का जो यूनिवर्सिटी है वो मैट के थ्रू एंट्रेंस अगर हम निकालते हैं तो वो उसके थ्रू आप बीबीए कर सकते हैं। उसके बाद आपका लॉ, लॉ निकालने में क्लैट एग्जाम देना होगा। अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा, तो लॉ निकाल सकते हैं। हॉस्पिटलिटी यानी बीएचएम, बैचलर इन हॉस्पिटल हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट यानी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, आप ये लाइन चूज कर सकते हैं। अगर होटल इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर देख रहे हैं, सेफ देख रहे हैं, होटल मैनेजर देख रहे हैं, तो इस सारे लाइन के लिए आपको हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए या कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पीसीसी या जो भी एंटर जो एग्जाम होता है फाउंडेशन कोर्स कॉमर्स में, आप वो जा सकते हैं। इसके थ्रू आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रांडेड यूनिवर्सिटी, ब्रांडेड यूनिवर्सिटी जिसको बुलाया था बीएचयू, जेएमयू, मतलब एएमयू, इन सारे यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप चाहे कुछ भी कोर्स करना होगा तो आप, अगर अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, आर्ट्स में अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप आर्ट सब्जेक्ट के लिए आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाइए और आर्ट्स कीजिए, शायद आपका भविष्य एकदम उज्ज्वल हो जाएगा, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। तो ये था हमारा करियर इन आफ्टर 12th, कि 12th के बाद हम कौन कौन सा लाइन चूज करेंगे, तो ये हमारा शॉर्ट में था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आप पे कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट है करियर से रिलेटेड, आपको करियर में मतलब सोच नहीं पा रहे कि मैं कौन सा करियर चूज करूँ, इसके बताने के अलावा कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगले वीडियो में जो बनाने वाला हूँ वो बहुत दिलचस्प वीडियो बनेगा, और एक चीज़ पे स्पेशलाइजेशन होगा, मैं वो अभी क्लियर नहीं करूँगा, इसके लिए आपको बना रहना है। आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और सब्सक्राइब के ऊपर बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको अगला जो वीडियो होगा वो आप नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिल जाए, और इसके बाद आप जो भी मेरा वीडियो आएगा वो अपडेटेड रहेगा, आप उसे सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।